फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हाल ही में मैंने बेडरूम मेकओवर की जो वीडियो है वो शेयर की थी, जिसमें कि मैंने किए थे बहुत सारे छोटे छोटे DIYs जो कि बहुत ही कम समय में हो गए थे और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाए थे। तो वो सिर्फ DIYs ही मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जो नए आइडियाज़ मैंने वीडियो में शेयर किए हैं, क्योंकि वो वीडियो जो है मेकओवर वाली वो काफ़ी लेंथी जो है मेरी बनी हुई है, तो उसमें शायद हर किसी को वो सारे DIY जो है ना समझ में आए, तो इसलिए मैं एक सिंगल वीडियो में सिर्फ DIYs जो है शेयर कर रही हूँ। वैसे तो और भी DIYs हैं जो उस वीडियो में मैंने और भी किए हैं, तो उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो वही वाली देखनी पड़ेगी, लेकिन जो कुछ DIYs हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो DIY मैं शेयर कर रही हूँ वो है ये DIY लैम्प, जो कि मैंने बास्केट्स को लेकर बनाया। ये बास्केट्स मैं 50 रुपये की 2 बास्केट्स लेकर आई थी, और इनको बनाने के लिए लिया बस एक होल्डर, और होल्डर जो है वो मैंने अपनी एक लाइट मेरे पास ऑलरेडी रखी थी उसी में से निकाल लिया, वायर भी उसी का ले लिया। तो इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ होल्डर और वायर चाहिए, 2 बास्केट्स आपको लेकर आनी है। एक में जो है इस तरीके से होल्डर को सेट कर लेना है बल्ब लगाकर, और जो बल्ब है वो 2.8 वाट का है, ये छोटा बल्ब LED बल्ब, और ये ना मेनली लैम्प्स वगैरह के लिए ही यूज़ होता है, और ये 100 रुपीज़ का है, बिजली भी कम लेता है और लैम्प्स में इसकी रोशनी जो है बड़ी सुंदर लगती है। तो ये छोटे साइज़ का होता है, जैसे कि 0 वाट का बल्ब होता है, बस इसको सेट कर करके, और ये जो दूसरी बास्केट है ना इसको ग्लूगन की हेल्प से इसके साथ जो है नीचे की तरफ चिपका दिया, और बस रेडी हो गया हमारा एकदम DIY लैम्प। बिल्कुल केन लैम्प की तरह ये देखने में लगेगा। अब बना रही हूँ मैं अपना दूसरा DIY लैम्प, जो कि बेड साइड में रखने के लिए बना रही हूँ। इसके लिए ये जो है ना ये बिल्कुल इजी आइडियाज़ हैं, जिनको कि आप इंस्टेंट कर सकते हो और कभी भी इनको हटा सकते हो। तो उसके लिए मैंने लिया है एक भारी सा गमला, बिल्कुल जिसमें कि बिल्कुल वजन हो और वो हिले नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपना स्नेक प्लांट का गमला जो है वो रख लिया है। अब उसके लिए उसके अंदर लगाने के लिए मैंने ली है ये कर्टेन की एक रॉड पुरानी, जो कि मेटल की थी। अब इसको जो है एक बार गमले में गाड़ करके देख लिया था, जितना गड़ रहा था ना टाइट उससे थोड़ी ऊपर की तरफ होल कर लिया, और ये वायर यहाँ इसमें से निकाल ली। अब जो है लगाना है एक होल्डर ऊपर की तरफ। अब ये भी मेरे पास एक लैम्प ऑलरेडी दूसरा था, जो कि मेरे को उस तरीके से जैसे ये था ना वैसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको दूसरे तरीके से यहाँ यूज़ करने का सोचा। तो यहाँ पर इसके वायर को कनेक्ट कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा वायर्स थी ना उनको जो है पाइप के अंदर ही डाल दिया है, और होल्डर को पेस्ट कर दिया है पाइप के साथ। मैंने पहले ग्लूगन से किया था बट रुका नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पर पॉलीफिक्स यूज़ किया, फिर से वही वाला बल्ब जो पहले दिखाया था LED बल्ब 2.8 वाट का। और ये जो है ये उस लैंप की शेड है, जो कि बॉल की तरह है, और बहुत ही सुंदर लगा ये बनने के बाद। अब कर रही हूँ मैं अपना थर्ड DIY। अब इसके लिए अब ये जो के अल्फ़ाबेट है ये मेरे हस्बैंड का इनिशियल है, और ये जो है ये वुडन है, ये मैंने कारपेंटर भैया से बनवाया है, बट अगर आप बनाना चाहें तो आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। तो इसमें पहले मैंने ग्रीन ग्रास लगाई हुई थी, तो इसको ग्रीन ग्रास को रोकने के लिए पहले मैंने जो है वाइट कलर की क्लिप्स आती हैं हुक वाली क्लिप्स वो लगाई, जो वायर्स वगैरह को रोकने के लिए भी दीवार पर लगती हैं वो लगाई। उसके बाद जो है ये रखे थे बहुत सारे रोज़ के बंचेस, जो कि लास्ट ईयर दिवाली लिए थे, तो इस बार मैंने सोचा कि इनको कुछ अलग तरीके से मैं रूम में यूज़ करूँगी, वास के अंदर इनको नहीं डालूंगी। तो इनको मैंने कुछ इस तरीके से जो है इसके अंदर सारों को सेट कर दिया, ऐसा लगे कि ये सारे इसके अंदर ग्रो हो रखे हैं, तो मतलब ये बड़ा ही प्यारा सा लगा। तो अपने तरीके से जैसे भी जो है सेट हो रहे थे वैसे मोड़ तोड़ करके बंचेस को इसके अंदर जो है मैंने सबको सेट कर दिया, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक DIY मेरा बनकर रेडी हो गया। अब हम करेंगे अपना 4th DIY, जिसके लिए कि मैंने जितने भी मेरे घर में ना बहुत लंबे टाइम से जो घी के रसगुल्ले के जो मेटल के जो ये जो कैंस होते हैं ना, ये जो है बहुत सारे टिन कैन ये इकट्ठे हो रखे थे, तो इनको मैंने सबको जो है 2 कोट गोल्डन कलर के पेंट से कर लिया था, एशियन पेंट्स का जो ऑयल पेंट आता है गोल्ड वाला, उससे मैंने 2 कोट इनके ऊपर की हैं, तभी इनके अंदर ये प्यारी सी फिनिशिंग आई है। इनको मैं काफ़ी टाइम से ना कुछ को तो वाटर प्लांट्स के तौर पर यूज़ कर रही थी, पानी में प्लांट्स मैंने ग्रो किए हुए थे, और कुछ इसमें स्टील
के डब्बे भी हैं जो कि कोने पे से जो है टूट जाते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। बस उनके ऊपर लगा दी प्लेन वाली गोल्डन कलर की टेप और ये बन गए बहुत ही प्यारे से सुंदर से मेरे प्लांटर्स। और इनको मैंने जो है ना डायरेक्ट इनके अंदर प्लांट्स नहीं लगाए हैं, इनके अंदर मैंने जो है दूसरे पॉट्स में प्लांट्स लगे हुए थे ना बॉटल वगैरह में, प्लास्टिक के जो छोटे छोटे डब्बों में, वो इसके अंदर डालकर रख दिए हैं। और कहीं कहीं मैंने इनके अंदर आर्टिफिशियल बंचेस भी लगाए हैं। अब हम करेंगे अपना फिफ्थ DIY, जिसके लिए लिए हैं मैंने एक कांच के बहुत छोटे छोटे ग्लास। अब मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ ऐसे प्लांटर्स जो कि मैं बाहर देखकर आई थी, तो ये एक प्लांटर 199 रुपीज़ का था और लेकिन ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, सुकुलेंट प्लांटर्स की तरह लगते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिए छोटे छोटे ग्लास जो कि मैं 20 रुपये का एक लेकर आई और लिए ये वुड स्टोन वाले जो है पेबल्स, और ये था 65 रुपीज़ के आधा किलो का पैकेट, और इनको कुछ इस तरीके से ग्लासेस के अंदर बस डाल दिया और ले लिया ये ग्रास का जो है मेरे पास ना मैट रखा था, इसमें से निकाल लिया कुछ बंचेज और कुछ मैंने मेरे पास जो आर्टिफिशियल प्लांट्स के जो रखे रहते हैं ना बंचेज, उनमें से फ्लावर्स वगैरह की कुछ टहनियाँ निकाली और ये मेरे बनकर हो गए DIY प्लांटर्स रेडी। अब आप देखिए यहाँ पे कितने सारे पैसे मेरे सेव हो गए। DIY के लिए मैंने लिए हैं अपने पुराने पर्सेस, ये तो मेरा बिल्कुल ही फटा हुआ था जिसको कि मैंने कूड़े में फेंक भी दिया था, बट इसको वापस उठा लिया कि नहीं मन नहीं कर रहा फेंकने का, कुछ तो मैं इससे बना लूँगी, कुछ तो करूँगी इसका। तो इसके लिए जो है मैंने बस अपना एक जो है ऑलरेडी पॉट में लगा हुआ ले लिया मनी प्लांट का जो है गमला, मतलब ऑलरेडी लगी हुई थी मनी प्लांट एक पॉट में, और बस उसको इसके अंदर रख दिया और इसको हैंग कर दिया अपने बेड के अपर साइड वाले हुक में। आप इसको कहीं पे भी, इनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं घर के किसी भी हिस्से में, बस इनसे जो है आपकी जो पुरानी चीज़ है वो भी यूज़ हो रही है और एक ब्यूटीफुल सा प्लांटर है वो भी रेडी हो रहा है, बड़े ही सुंदर लगते हैं। अब ये तो मेरा फटा हुआ था, बट इसके अलावा और भी पर्सेज हमारे पास होते हैं जो हमें पसंद आ जाते हैं, हम खरीद कर ले आते हैं लेकिन हम उन्हें कभी यूज़ नहीं करते, तो वो रखे ही रहते हैं। तो ये है मेरा एक उसी तरीके का बहुत ही प्यारा सा जयपुरी प्लांट जो है पर्स, तो इसको भी मैंने इसी तरीके से मनी प्लांट इसके अंदर लगा करके और रख दी। अब ये जो मनी प्लांट थी ना ये वाटर में ग्रो की हुई थी। अब ये था एक और हैंड पर्स जो कि बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही फैंसी, और इसके अंदर लगाए हैं मैंने आर्टिफिशियल बंचेस क्योंकि इसके अंदर स्पेस बहुत कम थी, तो इसके अंदर मैं वैसे ग्रो नहीं कर सकती थी प्लांट, रख सकती थी कोई भी पोट, तो मैंने इसके अंदर आर्टिफिशियल बंचेस लगा दी और इसको हैंग कर दिया अपने बेडरूम में। तो ये बन गए मेरे बड़े ही प्यारे प्यारे सुंदर से ब्यूटीफुल प्लांटर्स जो कि मार्केट में तो शायद कभी भी नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा जो है कोल्ड कफ का इशू हो रखा है जिसकी वजह से कि वीडियोस लेट हो रही हैं, तो अभी मैंने ये शेयर किया है। तो मिलूंगी आप सबके साथ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, डिफरेंट चीज़ के साथ, दिवाली डेकोर आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।